हाय फ्रेंड्स, न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसके मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में। चांडक ग्रुप बिल्डर हैं दोस्तों, इन्होंने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कोडनेम है उसका ग्रीनरी। वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट के आसपास की कनेक्टिविटी, लोकेलिटी, फैसिलिटीज़ क्या है, साथ ही साथ बिल्डर क्या क्या एमिनिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने स्टोरी टावर है, हर एक फ्लोर पे कितने फ्लैट्स हैं, ये सब कुछ मैं इसी वीडियो में इस प्रोजेक्ट रिलेटेड बताऊंगा। साथ ही साथ इस 10 से 15 सालों में हमने जो रियल इस्टेट फील्ड में एक्सपीरियंस किया है, हर एक वीडियो में हमारा एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स होता है जिसके ज़रिए हम कस्टमर्स को ये प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन कि वो किस टाइप के प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ अपना पैसा लगाएं जिससे उनका पैसा हमेशा एप्रिसिएट हो, डेप्रिसिएट ना हो, यानी नुकसान ना हो, हमेशा उनको बेनिफिट मिले, फ़ायदा हो। हर एक वीडियो में मैंने कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स दिया ही है। ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो बात करूंगा ही, PIT की बात करूंगा, उसके बाद मैं फिर बात करूंगा हमारी सर्विसेज की, क्या क्या सर्विसेज के जरिए हम अपने कस्टमर्स को बेनिफिट वाली प्रॉपर्टी देते हैं दोस्तों। जैसे न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी में कभी कभी स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन डिस्काउंट होता है, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी में 30-40% प्रॉपर्टी के प्राइस में डिस्काउंट होता है, और भी कई तरह की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं जो मैं प्रॉपर्टी के डिटेल के बाद बात करूंगा। उसके बाद फिर मैं आपसे विदा लूंगा दोस्तों। आइए जानते हैं इस प्रॉपर्टी में किस टाइप का है ये न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी में। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट की डिटेल की बात करूं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं मेट्रो मॉल के अपोजिट में बन रहा है, माघा थाने बोरीवली ईस्ट में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ही बन रहा है। न्यू लॉन्चिंग प्रोजेक्ट है, लैंड एरिया इसका 2.5 एकड़ है, 2.5 एकड़ है, SRA लैंड है, 46 स्टोरी टावर है, 46 माले की बिल्डिंग है ये, 2 टावर है, 4 विंग्स हैं इसमें, G+10 यानी 10 माले का इसका फ्रंट साइड से, हाईवे साइड से, कमर्शियल शॉप्स हैं, कमर्शियल बना हुआ है, कमर्शियल भी आप चाहें तो वहाँ पे मिल जाएगा। इसमें 10 माले का जो पोडियम पार्किंग, बैक साइड में पोडियम पार्किंग है और फ्रंट साइड में इसका कमर्शियल यानी दुकानें बनी हुई है। इसका रेसिडेंशियल फ्लैट 11वें माले से इसका पहला माला शुरू हो रहा है, हर एक फ्लोर पे 6 फ्लैट है, 3 लिफ्ट है और 2 स्टेयरकेस है, 6 हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा इसमें। बिल्डर का पोजीशन 2026 में आपको ये दे देंगे, बट उसके 1-1.5 साल के आगे का इसका रेरा है, दिसंबर 2028 का है। रेरा नंबर अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसमें आप जाइए, रेरा नंबर इसका है P518-000-35093, ये इसका महारेरा नंबर है। यहाँ पे आप इस नंबर के थ्रू आप गवर्नमेंट के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आप समझ सकते हैं, लैंड का क्लियरेंस किया है, कितने स्क्वायर फुट कारपेट साइज है इसका, कितने माले का टावर पासिंग हुआ है, क्या क्या बनने वाला है, क्या क्या एमिनिटीज़ आने वाली है, ये सब कुछ इसमें डिटेल आपको मिल जाएगा रेरा नंबर के थ्रू। और आप जानते हैं गवर्नमेंट ने इतना टाइट कर दिया है बिल्डर्स को कि वहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, तो आप गवर्नमेंट के वेबसाइट महारेरा पे जाके इस सारे कोड के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। नेशनल पार्क व्यू भी है और हाईवे के साइड सिटी व्यू भी आता है बोरीवली में ये प्रोजेक्ट। जैसा आपको नेशनल पार्क साइड का व्यू का फ्लैट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, सिटी के साइड के व्यू का फ्लैट चाहिए, हाईवे के साइड का फ्लैट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। सारे बैंकों से लोन अप्रूव्ड है इसमें, SBI, एक्सिस, ICICI, HDFC, जिस भी बैंक से लोन लेना चाहें इजिली आपको हर एक बैंक से लोन यहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझना जरूरी है, जो आप समझ लें पहले। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना खरीद सकते हैं, 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, जोड़ी या इनसे 4 फ्लैट खरीद सकते हैं। हम लोग ये डिस्काउंट ऑफर और गिफ्ट वाउचर की बात करते हैं, स्कीम की बात करते हैं, वो इसलिए करते हैं दोस्तों कि 50-50, 100-100 फ्लैट, 200-200 फ्लैट हम लोग बेचते हैं एक एक प्रोजेक्ट में, जिसके कारण आप छोटे ब्रोकर छोटे CPs के साथ काम करें तो उसकी बात नहीं बता सकता, लेकिन हमें जो डिस्काउंट मिलता है, हमें जो ऑफर मिलता है वो आप कंपेयर करें तो बहुत रेयर CPs को मिलता है। आप हमारे थ्रू फ़ोन करें, हमारे थ्रू बुक करें, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट श्योर एंड शॉर्ट हम करवा के देंगे दोस्तों। कई बार जब आप बिल्डर के पास डायरेक्ट चले जाते हैं और हमारा प्राइस आपको मिलता है और उसके बाद आप हमें फ़ोन करते हैं कि आपका प्राइस इतना है, बिल्डर हमें इतने में प्रोवाइड कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने कई बार ऐसा फेस किया है कि कस्टमर जब डायरेक्ट बिल्डर के पास डेवलपर के ऑफिस में जाके चले जाते हैं तो वहाँ उनके CRM सॉफ्टवेयर में आपकी एंट्री हो जाती है और वो एंट्री करीबन 3 से 6 महीने की रहती है। उसके बाद एक बार आपके CRM सॉफ्टवेयर में एंट्री हो जाती है, उसके बाद हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई प्राइस में डिस्काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज बिल्डर का ये कहना रहता है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर हैं, आप इनके लिए काम ना करें वरना आपके जो फीस होंगे वो भी हम प्रोवाइड नहीं करेंगे दोस्तों। तो आपको एक बात बता दें, कभी भी आप बिल्डर के पास जाएं तो आप जिस CP से कनेक्टेड हैं उस CP को साथ में लेके जाएं,
तो ही उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास कोई चैनल पार्टनर यानी सीपी या डीलर नहीं है तो आप हमें फ़ोन करें, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे उस प्रॉपर्टी को परचेस करवाने में जिसको भी अपने चैनल पे प्रमोट कर रहे हैं दोस्तों। तो आप कभी भी जाएं बिल्डर से प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए तो चैनल पार्टनर या फिर प्रॉपर्टी डीलर को साथ में लेके ज़रूर जाएं। अकेले जाने के बाद, टैग होने के बाद हम सीपी या चैनल पार्टनर या डीलर कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी दो टीम काम करती है, एक बिल्डर के लिए एज ए चैनल पार्टनर काम करती है और दूसरा रिसेल की प्रॉपर्टी के लिए या बिल्डर के लिए एज ए प्रॉपर्टी डीलर काम करती है। दोनों टीम हमने डिवाइड कर रखा है। तो आप अगर सीपीएस के साथ जाना चाहते हैं तो भी आप हमें फ़ोन करें, अगर डीलर के साथ जाना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन करें, हम दोनों लेवल पर आपकी हेल्प करेंगे वहाँ का सही प्राइस, सही डिस्काउंट, सही ऑफर में प्रॉपर्टी दिलाने का। दोस्तों ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पर 500, 1000, 2000 का खेल नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा थोड़ा सा अगर आपको जानकारी ना हो तो 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपया एक झटके में चला जाता है, जो आपकी काफ़ी मेहनत की और काफ़ी लगन की कमाई होती है जो लॉस हो जाती है। तो बिल्डर को तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता आपके 10-20 लाख में, लेकिन आपको ज़रूर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बिल्डर 5,000, 1,000, 2,000 फ्लैट बेचना है, आपको तो 100 फ्लैट भी नहीं लेना है, आपको तो 1 या 2 फ्लैट लेना है दोस्तों। तो आप ज़रूर किसी ना किसी को लेके जाएं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन रहे क्या वहाँ पे चल रहा है। इसमें मैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स की बात करूँ दोस्तों तो मैं वास्तु के ऊपर बात करने वाला हूँ। वास्तु के ऊपर लोग बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं, बहुत सारे बायर परेशान रहते हैं, उनको घर पसंद भी आ जाता है, उसके बाद किसी वास्तु के शास्त्री को या फिर किसी पंडित को बुलाते हैं, घर रिजेक्ट कर देते हैं। 100 घर देखने के बाद एक घर पसंद आता है, उसके बाद कोई वास्तु शास्त्री अगर उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर से उनको जीरो से मेहनत करना पड़ता है। दोस्तों वास्तु को लेके बहुत ज़्यादा आपको बर्डन और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी वास्तुशास्त्री का काम वास्तु दोष को वास्तु निवारण करना रहता है। बिकॉज एक बात तो दोस्तों ध्यान में रखें, कोई भी दुनिया में ऐसी कोई प्रॉपर्टी बिल्डर ने बनाया है जो प्रॉपर 100% वास्तु में हो। एक चीज़ तो दोस्तों ध्यान रखें कि वास्तु कभी भी कंप्लीट नहीं होता, और वास्तुशास्त्री का काम होता है कि अगर घर में कोई वास्तु दोष है तो उसका वो निवारण बताएं, ना कि घर चेंज करवा दें। चलो फ्लैट तो आप खरीदने जा रहे हैं, अगर आपकी कोई पिता या दादा का कोई प्रॉपर्टी हो, प्लॉट हो, तो आप उसे क्या करेंगे? उस जगह पे अगर आपको घर बनाना हो या फिर फार्म हाउस बनाना हो तो वहाँ पे आप वास्तु निवारण ही निकालेंगे। दोस्तों कोई भी प्लॉट पहले तो राजा महाराजा राज्य बसाया करते थे, वहाँ पे चीज़ों को चेंज नहीं किया जाता। आप देखें तो जिस घर को चेंज नहीं किया जा सकता, बट उसके अंदर का कुछ करेक्शन किए जाते हैं। तो कोई भी वास्तुशास्त्री को बुलाएं तो उनसे आप यही पूछें कि इस घर को कैसे वास्तु दोष है तो वास्तु निवारण कैसे किया जा सकता है। घर चेंज करना या आपको जो घर पसंद आया है उसको छोड़ के दूसरा घर लेना, ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है दोस्तों। मैंने देखा है लोग 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल तक घर ढूंढते रहते हैं, उनके प्राइस में, उनके बजट में, उनके पसंद में घर नहीं मिलता है, और घर मिलने के बाद कई बार तो वास्तुशास्त्रियों को मैंने देखा है कि उनके रिजेक्शन के बाद फिर उनको बहुत मुश्किल हो जाती है घर लेना, और 5-5, 10-10 साल तक वो वास्तुशास्त्री के चक्कर में घर लेने में परेशान रहते हैं। कभी भी दोस्तों आप एक कॉमन सी बात जान लें कि घर लेने से पहले वास्तु अगर शास्त्रियों को बुलाना है तो उन्हें एक ही चीज़ कहना है कि अगर इसमें वास्तु दोष है तो आप वास्तु निवारण बताएं। घर चेंज करना कुछ बहुत बड़ी समझदारी का काम नहीं है दोस्तों, ये बात जान लें। मैंने खुद वास्तु में सर्टिफिकेट लिया है, इसके लिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। और वास्तु का ओवरऑल निचोड़ में आपको एक बार बता दूँ कि जिस घर में सनलाइट 2-3 घंटे, 4 घंटे आ रहा हो, या फिर एयर का वेंटिलेशन बढ़िया हो, सनलाइट हो, वेस्ट फेसिंग हो, तो उस घर में कभी कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। बिकॉज वहाँ कोई नेगेटिविटी रुक ही नहीं सकती अगर आपको उसमें एयर और सनलाइट यानी हवा और धूप मिल रहा हो। तो हवा और धूप जहाँ मौजूद होता है वहाँ पे किसी भी तरह का नेगेटिविटी नहीं होती, वहाँ हमेशा पॉजिटिव पावर, सकारात्मक शक्तियाँ ही रुकती है। तो आप एक बात जान लें, अगर आपके घर में धूप आ रहा हो या फिर एयर का वेस्ट फेसिंग रहता है तो एयर वेंटिलेशन हो, तो वो घर आपको बहुत शुभकारी होगा दोस्तों। ये मैंने वास्तु के ऊपर आपको बातें बताया है। आइए अभी जो मैंने प्रोजेक्ट की बात की है स्टैंडर्ड ग्रीनरी का, उसका कुछ डिटेल समझते हैं दोस्तों।
Welcome to Property Plaza, your trusted partner in real estate. Based in Mumbai, we collaborate with the city's top developers to bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space, or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company, Property Plaza, Vikas Banwar. आइए कुछ डिटेल समझते हैं दोस्तों। चांडक ग्रीनरी का मैं कंस्ट्रक्शन स्टेज और प्राइसिंग बता दूं। 11th स्लैब का कंप्लीट हो चुका है, 40% पेमेंट इसका करंट ड्यू है। आपको 40% पेमेंट करना है, चाहे आप लोन लेके करें या सेल्फ फंड से करें। प्राइसिंग को लेके कुछ चीजें आप समझ लें। अभी जो मैं प्राइसिंग बता रहा हूँ, ये एक डेवलपर का कोटिंग प्राइस है, डेवलपर का बोला हुआ प्राइस है। बट दोस्तों एक बात समझ लें कि हम लोग की खुद की 100-150 लोगों की टीम है, 100+ लोगों की टीम है। एक डेवलपर जब एक साथ में कई जगह प्रोजेक्ट बनाते हैं, 10-10 जगह, 15-15 जगह अलग अलग बिल्डिंग बनाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं ना, पूरे जो उनके क्लस्टर हेड होता है, जो प्राइसिंग डिसाइड करता है और जरा कुछ पूरा मैनेजमेंट देखते हैं डेवलपर के नीचे, उनसे जाके मीटिंग करके सीधा सीधा बात कर लेते हैं कि भाई हम आपका 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचेंगे ओवरऑल सारे प्रोजेक्ट मिला के, तो आप एक स्पेशल प्राइस दो हमारे कस्टमर्स के लिए। तो उसमें हम लोग 1,000-500 रुपीज पर स्क्वायर फुट कम करके लेते हैं, ताकि अपने कस्टमर को सस्ते में कम प्राइस में प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर सके। तो आप देखिए, जनरली आप एक प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी लेंगे ज्यादा 1-2 करोड़ रुपए देंगे। हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो 300-400 करोड़ का टर्नओवर होता है हमारे और कंपनी और डेवलपर के बीच में। अब इसमें क्या होता है ना, वो 300-400 करोड़ का जो डील होता है, उसमें हम लोग एक होलसेल प्राइस में प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और वही सेम होलसेल प्राइस हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो प्राइस कम तो हो जाता है, बट काफी सारे कस्टमर एक मिस्टेक कर चुके हैं कि जब इस सब बात सुनने के बाद वो डायरेक्टली डेवलपर के पास चले जाते हैं, और इसमें दिक्कत क्या होती है, डेवलपर के CRM सॉफ्टवेयर में टैग हो जाते हैं, उसके बाद हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये होलसेल प्राइस में कम प्राइस में डील चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट विजिट जब आप करते हैं तभी आप हमारी टीम के साथ जाइए, तभी हम आपके लिए प्राइस नेगोशिएट करवा पाएंगे। अदरवाइज अगर आप पहले चले जाते हैं तो फिर हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। ऐसे मैंने हजारों लोगों को फायदा करवाया है दोस्तों, प्राइसिंग को लेकर। जो होर्डिंग बोर्डिंग पे प्राइस देखते हैं ना, हाईवे पे या फिर ट्रेन में या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पे भी, वो प्राइस बिल्कुल अलग होती है। बिल्डर का जो बेचने का प्राइस होता है, कोई भी डेवलपर की बात कर रहा हूँ पूरे वर्ल्ड वाइड, उसकी अलग होती है। कुछ डेवलपर ऐसे हैं जिनकी फिक्स प्राइस होती है, बट आप उसमें हजारों में एक आध डेवलपर को काउंट कर सकते हैं। अदरवाइज सारे डेवलपर का जो बोलने की प्राइस होती है अलग होती है, और जो फाइनल करने की, सेल करने की प्राइस अलग होती है। तो उसमें से भी हम लोग नेगोशिएट करा के लेते हैं, बिकॉज होलसेल 300-400 करोड़ का डील हम लोग करवाते हैं 1-2-4 महीने में, तो उसके हिसाब से हम लोग कम प्राइस में उनसे बात करके ले लेते हैं। और वैसे भी बॉटम प्राइस आपको पता ना हो ना, तो मैं देखा है कि 5-5-10-10 लाख रुपए लोग एक्स्ट्रा दे के आ जाते हैं। तो बॉटम प्राइस भी आपको पता ना हो तो भी आप हमें फ़ोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे। अभी मैं एक टेंटेटिव प्राइस दे देता हूं आपको, जो डेवलपर का बोलना है, फिर प्रॉपर्टी खरीदने आइए तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल प्राइस वहां पे क्या नेगोशिएट हम करवा सकते हैं। 2 BHK स्मार्ट 3 BHK बना रहे हैं, इसमें एक 2 BHK विद बालकनी भी बना रहे हैं। 2 BHK जो बालकनी के साथ है, उसका एरिया 661, 669, 683, यानी 661, 669 और 683 स्क्वायर फुट का है। प्राइसिंग का जजमेंट मैं आपको दे दूं, 2.18 करोड़ से लेकर 2.26 करोड़ के बीच में है, 2.18 CR to 2.26 CR। अब आते हैं जो छोटा 3 BHK है, यानी स्मार्ट 3 BHK, जिसको यानी 1 BHK 1 BHK जोड़ी करके बनाया हुआ है, बिकॉज ये सिंगल 1 BHK नहीं सेल कर रहे हैं। और ये भी बालकनी के साथ में है, जिसका कारपेट एरिया 899 यानी कि 899 स्क्वायर फुट का है, जिसका प्राइस अप्रॉक्स 285 to 295 CR, यानी कि 2.85 करोड़ से लेकर 2.95 करोड़ के बीच में आएगा। 3 BHK में भी बालकनी दे रहे हैं ये, और उसका कारपेट एरिया है 1152 1146, 1152 1146, दो साइज का 3 BHK है। इसमें भी बड़े बड़े बालकनी के साथ बना रहे हैं, जिसकी प्राइस 3.50 करोड़ से लेकर 3.80 करोड़ के बीच में है, यानी कि 3.5 करोड़ से 3.50 CR to 3.80 CR। अब 4 BHK जो बालकनी के साथ दे रहे हैं, जिसमें 1327 1346 और 1378, 1327 1346 1378 स्क्वायर फुट का है, तीन साइज में 4 BHK है, जिसकी प्राइस यानी 4.25 करोड़ से लेकर 4.55 करोड़ के बीच में है, यानी कि 4.25 CR to 4.55 CR। ये मैंने प्राइसिंग का एक जजमेंट दिया है आपको, बिल्डर के प्राइसिंग का। एक्चुअल प्राइसिंग जब आप आएंगे, हम लोग कितना डिस्काउंट कर सकते हैं अपने होलसेल
होलसेल के हिसाब से, वो आप ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें या विजिट करें। इसके ऊपर आपको स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन जीएसटी वगैरह अलग से आएगा। दोस्तों प्राइजिंग बताया, ये सारे प्राइजिंग अच्छे खासे नेगोशियबल प्राइजिंग है। एमिनिटीज की बात करूँ, इसमें 45+ वर्ल्ड मॉडर्न क्लास एमिनिटीज है। इसमें 61,000 का इसका सिर्फ क्लब हाउस है, 61,000 स्क्वायर फुट का, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, लैंडस्केप गार्डन, किड्स प्ले एरिया, ये सारा कुछ एमिनिटीज है, और भी बहुत सारा कुछ है। तो आप वहाँ पे आएंगे, प्रॉपर ब्रोशर लेंगे तो समझ पाएंगे। दोस्तों कनेक्टिविटी की बात करूँ दोस्तों, तो आप ये जान लें कि 2 से 5 मिनट के अंदर आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे तो बन ही रहा है ये, मेट्रो स्टेशन, मागाठाने बस स्टॉप, अपेक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कार्निवाल सिनेमा, सेंट जॉन्स हाई स्कूल, मागाठाने पुलिस स्टेशन, संजय गांधी नेशनल पार्क, कैम्ब्रिज स्कूल, ICSE, ठाकुर पॉलिटेक्निक कॉलेज, होटल नाइस स्टे, ब्लेबर ऑल डे बस स्टॉप, ऑटो रिक्शा स्टैंड, वेजिटेबल मार्केट, मेडिकल स्टोर, ग्रोसरी शॉप, ग्रोवेल्स 101 मॉल, मिराज सिनेमा, ये सब 2 से 5 मिनट के अंदर ही आप रीच कर जाते हैं। दोस्तों 10 से 30 मिनट के अंदर आप बोरीवली रेलवे स्टेशन, कांदिवली रेलवे स्टेशन, ठाकुर कॉलेज, होटल स्प्रिंग इन, लैंडमार्क रेसिडेंसी होटल, नमा हॉस्पिटल, तुंगा हॉस्पिटल मालाड, सुवर्णा हॉस्पिटल, रघुलीला मेगा मॉल, डी मार्ट, डॉन बॉस्को स्कूल, रोमा, सोना गोल्ड डिजिटल सिनेमा, साईं धाम मंदिर, कांदिवली पुलिस स्टेशन, बोरीवली पुलिस स्टेशन, स्मार्ट बाजार, ओबेरॉय मॉल, इंद्रप्रस्थ शॉपिंग सेंटर, सेंट्रियम मॉल, मूवी टाइम। अब मैं मुंबई के जो फेमस, यहाँ के जो कनेक्टिविटी में बड़े जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, 45 मिनट से लेकर 2 घंटे के अंदर घोड़बंदर रोड, गोराई बीच, उत्तन बीच, एसएल वर्ल्ड, वाटर किंगडम, ग्लोबल विपासना पेगोडा, बसई किला, जिबदानी मंदिर, फाउंटेन होटल, बर्धमान फैंटासी, मड मार्वे बीच, अक्सा बीच, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, बैंडाकोला कॉम्प्लेक्स, बैंडावर्ली सी लिंक, माउंट मेरी चर्च, शिवाजी पार्क, सिद्धिविनायक मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, हाजी अली दरगाह, गिरगांव चौपाटी, मरीन ड्राइव, नरीमन पॉइंट, वानखेड़े स्टेडियम, तारापुर वाला एक्वेरियम, गेटवे ऑफ इंडिया, कोलाबा, क्रॉफर्ड मार्केट, एलिफेंटा कैब्स, ये सब 45 मिनट से लेकर 2 घंटे के अंदर डिपेंड ऑन ट्रैफिक आप रीच कर जाते हैं, जब भी आपको घूमने फिरने की इच्छा हो तो। आइए और भी कुछ शॉर्टकट में हमारी सर्विसेज को समझिए, उसके बाद फिर मैं आपसे विदा लूँगा दोस्तों। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना, मेरे वीडियोज से नॉलेज लेने के बाद डायरेक्ट वो डेवलपर के पास चले जाएंगे तो उनका ब्रोकरेज या ऐसा कुछ फीस बच जाएगा। दोस्तों एक बात तो याद रखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे ना तो 1 या 2 फ्लैट लेंगे। हम लोग बिल्डर का साथ जब काम करते हैं तो 100-250 फ्लैट बेचते हैं, और जब हम डील करते हैं ना स्टार्ट में, जब हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उसी टाइम पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग 100 फ्लैट बेचेंगे, 200 फ्लैट बेचेंगे या 50 फ्लैट बेचेंगे। तो हमारे कस्टमर को स्पेशली ये होलसेल का प्राइस मिलना है। आप उनको 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ रुपए देंगे, हम लोग उनको 100-150 करोड़ रुपए देंगे। तो हम लोग जो नेगोशिएट उनके साथ कर सकते हैं ना, वो आप नहीं कर सकते। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि डेवलपर के साथ वैसा हम लोग डील करते हैं होलसेल में, तो उसमें जो हम लोग प्रॉफिट होता है ना, वो डायरेक्ट हम लोग कस्टमर से शेयर करते हैं कि ज्यादा ज्यादा हम लोग डील करके दें, कस्टमर को भी प्रॉफिट हो, बिल्डर को भी एक मोटा अमाउंट जाए और उसका बेनिफिट हम लोग को भी मिले। तो ये आप याद रखें। साथ ही साथ हमारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो एक एक बार में 10-10, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं देखा हूं कि वो लोग प्रोफेशनल सीपी यानी एजेंट या एडवाइजर को साथ में लेके ही जाते हैं, भले उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिला हो, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो एक प्रोफेशनल को साथ में लेके जाते हैं। उन्हें पता होता है कि एक प्रोफेशनल आदमी हमारे साथ में रहेगा तो कभी भी किसी भी मैटर पे डिस्कस कर सकता है, समझ सकता है और हमें एडवाइस भी कर सकता है। मेरे काफी सारे ऐसे कस्टमर हैं जो उल्टा 5-5, 10-10 लाख रुपए ज्यादा देके आ चुके हैं, उनको प्राइस पता नहीं चलता है। बिल्डर जो प्राइस आपको होर्डिंग बोर्डिंग पे लगाते हैं, ऑनलाइन शो करते हैं या ऑफलाइन होर्डिंग बोर्डिंग पे दिखाते हैं, वो प्राइस नहीं रहता, एक अच्छा खासा उसमें नेगोशिएशन होता है और आपको बॉटम प्राइस नहीं मालूम होता है। बिल्डर जब प्राइस लॉन्च करते हैं उसी टाइम हमारे साथ ओपन कर देते हैं कि मैं इतना रुपए पर स्क्वायर फुट में सेल करूंगा, उसके बाद जब वो होर्डिंग बोर्डिंग लगाते हैं तो 20-20, 30-30% बढ़ा के प्राइस लगाते हैं। हम लोग जब डील करते हैं तो उनके बॉटम प्राइस में डील करते हैं। हमारे सारे कस्टमर को मैंने 5-5, 10-10 लाख रुपए बचाया है एक एक डील में। तो आप कभी भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं ना तो एक प्रोफेशनल के साथ जरूर जाएं, जिसकी एक अच्छी नॉलेज हो, अच्छी पकड़ हो, डेवलपर के साथ उसके इंटरनल रिलेशन हो। साथ ही साथ आपके जो बजट है, आपके बजट में क्या बेस्ट उस एरिया में आने वाला है या उस एरिया में आ रहा है, उतना प्रोजेक्ट का सर्वे भी आपके पास नहीं होता है। एक जो प्रोफेशनल सीपी यानी चैनल पार्टनर होता है, या आप समझ रहे प्रॉपर्टी एडवाइजर
या ब्रोकर होता है उसको वहां के आसपास का प्रॉपर एप्रिसिएशन क्या आएगा, डेप्रिसिएशन क्या आएगा, साथ ही साथ प्रोजेक्ट का सर्वे, आपको एक या दो प्रोजेक्ट के बारे में मालूम होगा, वो जो सालों से काम कर रहे हैं उनको उस पर्टिकुलर लोकेशन में 20-30-50-100 प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है सबका मालूम है, तो वो आपको एक प्रॉपर एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे आप लो, ये अच्छा एप्रिसिएशन भी आएगा साथ ही साथ इसकी वैल्यू सही है दोस्तों। ऐसा मैंने देखा है काफी सारे लोग ज्यादा पैसा देके भी कई बार आ चुके हैं, ऐसा मेरा कई एक्सपीरियंस हो चुका है जो मैं इस वीडियो के जरिए आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी डेवलपर के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो भी एक सेल्स टीम लगाता है सेल करने के लिए। बिल्डर के पास आप डायरेक्ट जाके जब विजिट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर मेरे कई वीडियो देखने के बाद लोग हमें फ़ोन करते हैं कि विकास जी आपका प्राइस बहुत सस्ता है, बिल्डर का मेरे को जो लोगों ने दिया है वो ज़्यादा महंगा दिया है। दोस्तों बिल्डर के पास एक बार विजिट कर लेते हैं तो आपके नाम से वहाँ पे टैगिंग हो जाती है, उनके सॉफ्टवेयर में आप ऐड हो जाते हैं, उसके बाद कोई भी सीपी या हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि जब आप जाएं तो फर्स्ट टाइम हमारे किसी सेल्स पर्सन के साथ में जाएं, तो ही हम आपके प्राइसिंग के लिए बात कर पाएंगे, सर्विसेज के लिए बात कर पाएंगे। हम लोग एज ए चैनल पार्टनर बिल्डर के पेरोल पे काम करते हैं, कस्टमर के लिए 0% ब्रोकरेज में हमारी पूरी टीम काम करती है। जो आप हमसे बुकिंग करवाते हैं तो आपको कुछ भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ होम लोन के लिए भी काम करते हैं, उसमें भी फ्रैंकिंग चार्ज और प्रोसेसिंग चार्ज में भी काफी अच्छा डिस्काउंट करवा के देते हैं। तरह के नए नए प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन तो मैं हमेशा मेरे इस चैनल पर लेके आता रहता हूँ, जो कुछ कभी डिस्काउंट में होती है, कभी बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो 30-40% डिस्काउंट पे रहता है, कभी कभी तो हमारे पास रीसेल में जिस तरह आप ये देख रहे हैं इस तरह हजारों लाखों लोग रोज हमारा वीडियो देखते हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड जिस कंट्री में यूट्यूब चल रहा है करीबन 2.5-3 लाख लोग रोज हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, और जब उनको कोई अर्जेंट सेल में प्रॉपर्टी सेल करना होता है तो हमारे पास फ़ोन करते हैं कि विकास जी भले 20-30 लाख रुपए डिस्काउंट लेकिन मेरे को बेच के दो, पैसे की बहुत ज़रूरत है। ऐसे लोगों में क्या होता है फ़ायदा कि जिनको पैसे की ज़रूरत होती है उनको टाइम पर पैसा मिल जाता है, जिनको सस्ते में प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है उनको प्रॉपर्टी मिल जाती है। हर महीने 2-3 प्रॉपर्टी हम लोग अलग अलग लोकेशन में अर्जेंट सेल में सेल करते ही हैं, ऐसे हजारों लोगों को हम लोग अभी तक दिला भी चुके हैं। तो इस तरह के जो फ़ायदे की प्रॉपर्टी अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी है वो अगर आप चाहते हैं घर बैठे इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें क्योंकि उससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। फिर अगर वो काम की प्रॉपर्टी है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके उसका फ़ायदा लें। कितने लोग तो रहने के लिए लेते हैं, कितने लोग इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, तुरंत लेते हैं और तुरंत 1-2 महीने में बेच के 20-30 लाख-40 लाख रुपया रोकड़ा कमा के निकल जाते हैं। अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी को खरीदने का फ़ायदा यही होता है। कभी आपको हमारे ऑफिस पे आना हो तो ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है, और ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरफ हमारी ये दो वीडियो का लिंक मैंने डाला है, इसी प्रोजेक्ट रिलेटेड ये दो वीडियो इसी लोकेशन के ही है। खरीदने के लिए, डिटेल जानने के लिए, बॉटम प्राइस जानने के लिए हमें ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉल करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।